कहना एक ही है कि अब की बार 2019 में सरकार ये उम्मीद लगाए बैठी है कि हमारी दोबारा से सरकार आएगी और काम कौन कराएगा? आंगनवाड़ी। बहनों, हमें उसी समय एक काम निर्णय लेना है, उसी दिन जिस दिन हमारी एसडीएम और डीएम मीटिंग लेगा उसी दिन कह देना कि ये बस्ता लो और जो 50,000 कमाता है उससे काम करा लो अपना। और ये एक जगह नहीं, पूरे भारत में होना चाहिए, तभी हमारा हित हो सकता है। अन्यथा इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, यहाँ आके कोस के सरकार को चले जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात सुन रहे हो तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जगह जाते हैं, हम लोग तो नहीं जा पाते हैं, तो हमारी बहनों से अनुरोध करें कि वो बीएलओ के काम का बहिष्कार करें। आप बात आई हमारी यूपी सरकार में, अगर 4 नवंबर तक हमारी बात सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है भजन दिवस, और वो भजन दिवस हम हर जिले पे बैठ के उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का जो हमारे बीजेपी सरकार का सहयोग करती है, उनका सबका मिलके करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी कुपोषित है, पहले इनका पोषण अगर नहीं कर सकती सरकार तो हम सरकार के कोई भी काम नहीं करेंगे। उनको कह देंगे कि आप जाइए 3,000 में जहां कर्मचारी आपको काम करने वाला मिल जाए उसको लेके आइए और काम करा लीजिए। हमें किसी संगठन से और किसी उसकी बुराई से मतलब नहीं है, हमें हमारे अधिकारों की और कामों की जरूरत है, वो पहचानिए। व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन करते किसी को कुछ नहीं है। कहते एक बार हमने लिख दिया था उसमें कि एक लोगों ने लिखा कि इतना चंदा आता उतना जाता और इतना होता इतना करता, जो करता है वही जानता होगा मेहनत। यहाँ ये मंच लगा फ्री में नहीं लगा, यहाँ ये खर्चे आ रहे फ्री में नहीं आ रहे। आप लोग अपने घर से आई हो फ्री में नहीं आई हो, खर्चे कहीं ना कहीं होते रहते हैं। इसका किसी को अधिकार नहीं है कि ये पूछे कि कहाँ कितना खर्च हुआ, क्योंकि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हम आपको सामने से दिखा देते हैं, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हम सामने से नहीं दिखा सकते।